गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू अवर आर्ट एंड क्राफ्ट क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम आर्ट एंड क्राफ्ट में सिंपल सा बटरफ्लाई बनाएंगे। एकदम से सिंपल है और हो सके तो आप मम्मी पापा की भी हेल्प ले सकते हो। सीजर से कट करना है तो उसमें, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके लिए देखिए, मेरे पास यहाँ पे पेपर है, तो देखिए स्टेपलर चाहिए, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, फेविकॉल, और मेरे पास तीन पेपर है। देखिए, पिंक है, येलो है एंड ये ग्रीन कलर। ग्रीन नहीं है तो ब्लैक कलर होगा तो भी चलेगा, ठीक है। तो चलिए हम बटरफ्लाई बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें मैं छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर दूंगी। देखिए यहाँ पे ऐसे, हो सके तो आप राउंडर भी ले सकते हो स्टूडेंट, नहीं तो फिर कोई लीड हो, डिब्बे का लीड हो, छोटा सा से भी सर्कल, ठीक है। ये एक हमने किया, इसको हम कट कर देते हैं। एकदम सिंपल एंड इजी है, सिर्फ ये सर्कल बराबर से बनाना। देखिए ये सर्कल बन गया स्टूडेंट। अभी हम इसे छोटा येलो कलर का बनाएंगे सर्कल। इससे छोटा या बड़ा भी बना सकते हो, ठीक है। देखिए ऐसे उस पे रख के मैं बड़ा सर्कल बना देती हूँ, आप छोटा भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। देखिए थोड़ा बड़ा बटरफ्लाई बनेगा, ठीक है। अभी मैं इसको कट कर देती हूँ। सर्कल सा कट करेंगे, ठीक है। अब छोटा बनाओ तो भी कोई बात नहीं। देखिए उसको ये बराबर से इरेज कर देते हैं, ठीक है। देखिए इसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे, ठीक है। और इसको, ये भी सर्कल है, इसको भी हम ऐसे फोल्ड कर देंगे, ठीक है। देखिए फोल्ड किया, फिर ये जो पार्ट है तो बीच में हम ऐसे उसका सेंटर बनाएंगे यहाँ से, ठीक है। और इसको भी हम यहाँ से ऐसे सेंटर बनाएंगे, ठीक है। देखिए ये दो ऐसे सेंटर से हम मिलाएंगे और फिर क्या करेंगे पता है, यहाँ पे हम स्टेपलर लगा देंगे, स्टेपलर, ठीक है। तो देखिए ये मेरे पास, और देखो स्टेपलर ऐसे नहीं लगाना। देखिए स्टूडेंट्स बराबर से ये मैं जो क्राफ्ट का कर रही हूँ, आप बराबर ये देखो ऐसे सीधी लाइन है, मैं हम ऐसे लगाएंगे स्टेपलर। देखिए लगाया मैंने स्टेपलर, ठीक है। फिर हम एक साइड ऐसे करेंगे और दूसरी साइड ऐसे, ठीक है। देखो हमारा बटरफ्लाई ऐसे बनेगा। देखिए यहाँ पे ऐसे दिखता है आपको, ऐसे ऐसे बनेगा। फिर मैं यहाँ पे, अभी हमारा काम बाकी है। देखिए मेरे पास ये, मैंने ग्रीन कलर का पेपर लिया था ना, उसकी मैं स्ट्रिप्स कट करूँगी। इतनी मैं स्ट्रिप्स लेके, देखिए ये है ना, उसकी मैं इतनी पतली सी दो स्ट्रिप्स कट करूँगी। देखिए स्टूडेंट ये ऐसी स्ट्रिप्स मैं कट करूँगी, ठीक है। यहाँ पे ऐसे, ठीक है। देखिए दो स्ट्रिप्स, तो एक यहाँ पे
ठीक है। चलो दोनों एक ही साइज की होनी चाहिए, छोटी बड़ी ना हो, देख लेना। हो सके तो कट करने में मम्मी पापा की आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है। फिर इसको हम ऐसे देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट हम ऐसे ऐसे करके फोल्ड करेंगे, ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स, ये हम ऐसे गोल गोल थोड़ा फोल्ड करेंगे ऐसे ये स्ट्रिप्स को, ठीक है। यहाँ इतनी इतनी लंबी, ठीक है, ऐसे ऐसे पेपर को हम फोल्ड करेंगे ना तो ऐसा बनेगा, देखा आपने। ऐसे हम यहाँ पे रखते हैं और दूसरी स्ट्रिप्स है उसको भी हम ऐसे ही फोल्ड करेंगे। कट कर देती हूँ, मोटी लग रही है। देखिए इसको हम ऐसे, देखिए यहाँ पे गोल गोल ऐसे ऐसे, देखिए हो गया। देखिए दोनों स्ट्रिप्स, और उसको ऐसे रखना है, ऐसे चिपका देना है। पहले हम थोड़ा सा ऐसा फेविकोल लेके, देखिए इसको हम ऐसे चिपका देंगे दोनों ऐसे साइड में, देखिए दिखा आपको, ठीक है ऐसे। अभी उसको सूखने देंगे, और ये वाला पार्ट है देखिए, ये जो हमने बनाया था ना बटरफ्लाई, उसको हम यहाँ से ऐसे ऐसे फेविकोल लगा के चिपका देंगे यहाँ से यहाँ तक फेविकोल। देखिए मैं ऐसे वाला पार्ट हम ऐसे, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो हमारा बटरफ्लाई बन गया, थोड़ा सूखने देना है। देखिए स्टूडेंट्स ये हमारा बटरफ्लाई बन गया, ठीक है। ऐसा ही आप छोटा सा बटरफ्लाई बनाएंगे, ये मैंने बड़ा बना दिया है, आप छोटा थोड़ा छोटा इससे बना सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। एकदम से सिंपल एंड इजी है। ओके बाय बाय।